मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज गुरु अर्जुन देव जी का एक शब्द लेने जा रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 1563 ईस्वी में हुआ और 1606 ईस्वी तक भारत की धरती को अपनी अमृत वर्षा से, अमृत वाणी से सींचते रहे। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, शांति पाई गुरु सतगुरु पूरे। संतों और पंडितों में एक फर्क है और ये फर्क बहुत कीमती है। पंडित कहेगा, पहले सारहीन को छोड़ोगे तभी सार तत्व को पाओगे, पहले त्याग करोगे तभी परम धन को पाओगे। तेन त्यक्तेन भुंजीता, जिन्होंने त्यागा उन्होंने भोगा। लेकिन संत कहेगा, ते ना त्यक्ते ना भुंजीता, वह त्याग और भोग दोनों के पार है। संत कहेगा, परम राग से नाता जोड़ लो तो परम त्याग घटित हो जाएगा। उपदेशक कहेगा, पंडित कहेगा कि त्याग घटित हो जाए तुम्हारे जीवन में तो फिर परम राग हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव जी को परम राग कैसे घटित हुआ, परम धन कैसे मिला, परम आनंद कैसे मिला? पहले शांति मिली और फिर अशांति विदा हुई, पहले सुख मिला फिर दुख विदा हुआ, पहले सार तत्व मिला और फिर सारहीन अपने आप छूट गया। उसी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, शांति पाई। कैसे पाया? अपना नाता ध्यान से जोड़ा, अपना नाता निराकार से जोड़ा। जहाँ तक साकार से तुम जुड़े हुए हो वहाँ तक अशांति है, वहाँ तक दुख है। जैसे ही तुम निराकार से नाता जोड़ना शुरू कर देते हो वहाँ से शांति की शुरुआत हो जाती है। इसको एक नए अंदाज में सुनो, कितना आपाधापी धन का, पदमान कामिनी कंचन का, यह दौड़ कहाँ ले जाएगी, क्या सार यही है जीवन का। छोड़ो असार अब ध्यान करो, जीवन का कुछ सम्मान करो, अथ ध्यानम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। ध्यान से नाता जोड़ोगे तो शांति मिल जाएगी और शांति मिलेगी तो अशांति विदा हो जाएगी। ध्यान की मंजिल शांति है, ध्यान की मंजिल साक्षित्व है। ध्यान से शांति घटित हो जाएगी तो अशांति स्वयं ही विदा हो जाएगी। लेकिन शांति मिलेगी कैसे, ध्यान मिलेगा कैसे, ध्यान से नाता कैसे जुड़ेगा, गुरु अर्जुन देव जी का नाता कैसे जुड़ा? कहते हैं, गुरु सतगुरु पूरे। गुरु मिला और कैसा गुरु मिला? पूरा सतगुरु मिला, कामिल मुर्शिद मिला। कौन है पूरा सतगुरु? जो समाधि को जानता है, जो ओंकार को जानता है और तुम्हें भी बताने की क्षमता रखता है, वही कामिल मुर्शिद है। परमात्मा स्वयं जब देह धारण करता है तो कामिल मुर्शिद बन करके आता है, जब निराकार होता है तो गोविंद होता है और जब साकार रूप में आता है तो पूरा गुरु होता है। इसको एक नए अंदाज में सुनो, मजहब में है अटकाव बहुत, मंदिर मस्जिद भी रोकेंगे, कुछ पंडित वाइज टोकेंगे, कुछ वेद किताब भी रोकेंगे। धन्य हैं लोग वे कामिल मुर्शिद जिन्हें मिल गया, खोजते जो रहे उनने खुद में खुदा पा लिया। खोजना तुम शुरू करो और खोजते खोजते गोविंद की एक दिन कृपा हो जाती है तो कामिल मुर्शिद तुम्हारे जीवन में आता है, और फिर एक दिन कामिल मुर्शिद की कृपा हो जाती है तो गोविंद से तुम्हारा नाता जुड़ जाता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। पूरा गुरु मिल गया। पूरा गुरु मिलने के बाद क्या घटना घटी? सुख उपजे बाजे अनाहत तुरे, अनाहत नाद का ज्ञान तुम्हारे पूरा गुरु ने दिया। और अनाहत नाद का जब ज्ञान हो जाए तब आनंद होता है, तब सुख उपजता है। आनंद भया, गुरु अर्जुन देव जी ने एक जगह कहा है, आनंद भया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा। पहले आनंद हुआ फिर सुख हुआ, लेकिन आनंद कैसे हुआ? मिल गुरु गोविंदा, गुरु से मिले और गुरु ने गोविंद से नाता जोड़ दिया, गोविंद से आनंद हुआ और आनंद से सुख हुआ। यही क्रम है और इसका व्युत्क्रम नहीं होता कभी। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, ताप पाप संताप विनाशे। जब सुख उपजा, जब अनहत नाद से नाता जुड़ गया, जब गोविंद से नाता जुड़ गया तो आनंद से नाता जुड़ गया, आनंद से नाता जुड़ा तो सुख से नाता जुड़ गया, और जब आनंद पैदा हुआ, जब सुख पैदा हुआ तो क्या हुआ? तीन घटनाएँ घटी। पहली घटना, ताप नष्ट हो गया। ताप क्या है? अभी जो कष्ट है तुम्हारा, अभी जो दुख महसूस कर रहे हो, तुम्हारा वर्तमान का जो कष्ट है,
इसको कह सकते हो ताप, अभी वर्तमान में किसी ने कुछ गाली दे दी, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने निंदा कर दी और तुम जल रहे हो, भीतर क्रोध से जल रहे हो, कष्ट से जल रहे हो, दुख से जल रहे हो। लेकिन जब एक बार अनाहत नाद की बरसात तुम पर शुरू हो जाती है, जरा उसका स्मरण करो तो तुम्हारी जलन तत्काल शांत हो जाती है। दूसरी घटना क्या घटी, पाप नष्ट हो गया। पाप क्या है, शोक है, पश्चाताप है, अतीत का कोई कर्म जिसको याद कर तुम पश्चाताप करते हो उसी का नाम पाप है। अनाहत नाद से नाता जुड़ गया, तुम्हारे सारे कर्म बंध नष्ट हो जाते हैं, जो भी अतीत का कर्म है वो नष्ट हो जाता है। और तीसरा संताप विनाश है। संताप क्या है, तुम्हारी व्यग्रता, तुम्हारी चिंता, भविष्य का अप्रिहेंशन, इसका नाम संताप है, बेचैनी। जैसे ही अनाहत नाद से नाता जुड़ता है तुम जान पाते हो कि ये ओंकार आनंद स्वरूप है, ये ओंकार प्रेम स्वरूप है, ये ओंकार कृपा स्वरूप है। क्या चिंता करना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जैसे राम रखेगा वैसे मौज करेंगे, वैसे रहेंगे। इस तरह तुम्हारा संताप, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी व्यग्रता यह भी नष्ट हो जाते हैं एक बार तुम्हारा नाता गोविंद से जुड़ जाए, एक बार नाता तुम्हारा अनाहत नाद से अगर जुड़ जाता है, उस परम संगीत से जुड़ जाता है, उस परम ओंकार से जुड़ जाता है। गुरु अर्जुन देव जी इस बात को अन्यत्र बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, बड़ी बड़ी आई अचरज शोभा कारज आया रासे। भीतर जो निराकार को हमने देखा, गोविंद के चरण कमल को देखा, उसकी शोभा को मैं देखते ही रह गया और मेरी जिंदगी सफल हो गई। नानक कहु गुरु पूरा भेटियो सगले दुख विनाशे। गुरु नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि पूरा गुरु एक बार मिल जाए तो तुम्हारे सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पूरा गुरु तुम्हें वह रसायन देता है, वह राम रसायन देता है, जिसको पीने के बाद फिर सारे दुख, सारे ताप, सारे संताप तुम्हारे नष्ट हो जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र इसे और भी प्यारे अंदाज में कहते हैं, अमृत वाणी हर हर तेरी। हे गोविंद, तुम्हारे अमृत वाणी कि बरसात में मैं भीग रहा हूँ और सुन सुन होए परम गति मेरी, और मुझे परम विश्राम मिल गया। जलन बुझी शीतल हुई मनवा। उस अमृत वाणी में भीगने से क्या हुआ, मेरी जलन बुझ गई, मेरा मन शीतल हो गया और सतगुरु का दर्शन पाए जी। असली सतगुरु जो है वो गोविंद ही है, उसका दर्शन अगर हो जाए, उसका दीदार हो जाए। जब भी संतों ने सतगुरु शब्द का प्रयोग किया है, बड़ी बारीक लाइन है, कभी वे पूरा गुरु की बात करते हैं, कभी वो गोविंद की बात करते हैं, क्योंकि असली सदगुरु तो गोविंद ही है। जब देह धारण करता है तो कामिल मुर्शिद बन जाता है। तो सदगुरु का दर्शन हो जाए, चाहे साकार में दर्शन हो जाए कि निराकार में दर्शन हो जाए, तुम्हारे सारी जलन मिट जाती है, अशांति मिट जाती है तुम्हारी। और फिर क्या होता है, सुख भया दुख दूर पराना, संत रसन हरिनाम बखाना। फिर तो सुख ही सुख आता है तुम्हारे जीवन में, और एक बार शांति आ जाए, एक बार आनंद मिल जाए गोविंद से मिलकर, तो तुम्हारे सारे दुख विदा हो जाते हैं। संत रसन हरिनाम बखाना, और ऐसा संतों ने अपनी जीवा से नाम के प्रभाव का वर्णन किया है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, हर सिमरत किलविक सब नासे। जैसे गोविंद के सुमिरन में जीना शुरू कर देते हो, और याद रखना बड़ी मौज है गोविंद के सुमिरन में, बड़ा आनंद है गोविंद के सुमिरन में। हर सिमरत किलविख सब नाशे, सारे मन की मलिनता हरि के सुमिरन से विदा हो जाती है। फिर मैं याद दिलाना चाहूँगा, उपदेशक कहेगा कि मन की मलिनता को दूर करो, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये मन की मलिनताएं हैं, वासनाएं तृष्णाएं, इनको छोड़ो और तब हरि मिलेगा। लेकिन संत कहेगा हरि को पालो पहले, और एक बार हरि को पालो, हरि के सुमिरन में अगर जीना शुरू करो तो मन की मलिनताएं तो ऐसे ही विदा हो जाती हैं। कभी कभी मैं कहता हूं कि जैसे तुमने कहा कि मच्छरों का हम त्याग कर देंगे, तुम कर दो मच्छरों का त्याग, इससे क्या होता है, लेकिन गुड नाइट जला लो तो फिर मच्छर कहेंगे अब हम इनका त्याग करते हैं। ऐसे ही हरि की रोशनी जला दो, हरि का दीप, हरि की गुड नाइट जला लो, तो ये मलिनताओं के मच्छर तुम्हारा त्याग करके विदा हो जाते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, शबद निरंतर ते मन लागा मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न टूटे ऐसी ताड़ी लागी कि साधो सहज समाधि बली। उस निरंतर शब्द से, ओंकार से, उसके सुमिरन में जब मेरा मन लग गया तो मलिन वासना त्यागी, मलिन वासनाओं ने मेरा त्याग कर लिया। उठत बैठत कबहू न टूटे ऐसी ताड़ी लागी, फिर तो हर घड़ी सुमिरन की घड़ी है, हमेशा हरि के सुमिरन में जिंदगी
कबीर साहब जी रहे हैं और कबीर साहब जैसे संत जीते हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, आनंद करहु मिल सुंदर नारी। अब एक बार वह मिल गया गोविंद, तो ऐ जीवात्मा रूपी सुंदर नारी उस गोविंद के साथ मिलकर अब आनंद करो। अब कैसा दुख, अब तो दूल्हा मिल गया, अब तो प्रियतम मिल गया जिसको तुम चाहते थे, विरह की घड़ियाँ समाप्त हो गई, अब तो मिलन की घड़ी शुरू होती है। अब उसके साथ मिलो और भीतर ही मिलना है, कोई बाहर नहीं है, भीतर ही वो गोविंद है और उसके साथ मिल करके आनंद करो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जोग जुगत से रंग महल में पिए पायो अनमोल रे। भीतर के रंग महल में मैंने अपने दूल्हे को प्रियतम को पा लिया है, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। कहते अब तो भीतर एक अनाहत नाद का ढोल बज रहा है और आनंद की बरसात हो रही, क्योंकि ओंकार आनंद स्वरूप है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, गुरु नानक मेरी पैस सवारी। गुरु नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से, अब मेरी पैस तो रह गई, मेरी इज्जत तो रह गई, मेरी प्रतिष्ठा तो रह गई, मैं जीवन की बाजी जीत गया और जीता हुआ अब मैं इस जगत से विदा होऊंगा। पूरा गुरु से नाता जोड़ो, पूरा गुरु से गोविंद को जानो, गोविंद के सुमिरन में जियो और जीवन की बाजी जीत कर यहाँ से विदा लेने का संकल्प करो, यही सहज योग है। हरिओम तत्सत।